हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में iOS व्हाट्सएप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। iOS के जैसे बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ही iOS के जैसे व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे आपको जाना है, देन आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया है MB व्हाट्सएप V1.1 APK 78.5 MB का है, या मैं पिन करके रखा हूँ, यहाँ से भी आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद उसके बाद आपको सिंपल से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, वेलकम टू व्हाट्सएप। देन यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर स्कैनर आ जाएगा। अब स्कैनर को क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपने व्हाट्सएप बिजनेस या व्हाट्सएप में जाना है मैसेंजर में। उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके लिंक डिवाइस पे क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद लिंक ए डिवाइस पे दोबारा से आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर यूज मोबाइल डाटा पे क्लिक करके आपको अनलॉक कर लेना है। देन यहाँ पर ओके करके आपको अपने सामने से मोबाइल लाना है, ठीक है, और वो वाला QR खोलना है जो कि इस वाले व्हाट्सएप में MB व्हाट्सएप का है, और इसको स्कैन कर लेना है। सो जैसे आप स्कैन करोगे कुछ इस तरह का लोडिंग लेगा चैट, जो कि पूरा चैट इसमें आ जाएगा, देख सकते हैं। देन यहाँ पर परमिशन मांगेगा, इसको आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर बैक कर देना, आपको बैक जैसे करोगे उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप न्यू ओके कर देना है। इसको सिंपल से देख सकते हैं iOS के जैसे आ चुका है व्हाट्सएप आपके सामने। अब iOS के जैसे बिल्कुल इंस्टाग्राम आप देख ही सकते हैं इस तरीके का हो गया है, ठीक है। यू पे क्लिक करके आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप थीम भी चेंज कर सकते हो। अभी मैंने वाइट कर रखा है, तो यहाँ पर थीम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर डार्क, लाइट और सिस्टम में जो रहता है वो वाला है, ठीक है। तो आप जिस पर क्लिक करोगे, डार्क करना है तो आप डार्क पर क्लिक करके डार्क कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डार्क हो गया, और थीम हमको वाइट ही रखना है तो हम वाइट ही रखेंगे, लाइट, ठीक है। तो देख सकते हैं लाइट हो गया है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग हम आपको बता ही देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए स्टेटस पे क्लिक करोगे तो इस तरह एक्सप्लोर मोर कर सकते हैं और स्टेटस अपना लगा सकते हैं, और इस तरीके का देख सकते हैं कॉल इस तरह रहेगा, कम्युनिटी ये है और चैटिंग है, ठीक है। चैट पर आप क्लिक करके देख सकते हैं इस तरीके का चैट है, और साथ ही में यहाँ पर हम गैलरी वाले पर क्लिक करते हैं तो सारा इस तरीके का आ रहा है, ओके। और साथ ही में हम इमोजी भी यूज करते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से इमोजी आ रहा है iOS के जैसे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे बाकी आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर MB प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे थीम आ जाएगा, थीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और साथ ही में जनरल पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर हेडर एंड कलर का चेंज कर सकते हैं, और साथ ही में आपको फॉन्ट चेंज करना है तो चूज योर कस्टम फॉन्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के फॉन्ट आ चुके हैं। अब आप इसमें से कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहते हैं iOS का भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं ये वाला ले देता हूँ एक, और देखता हूँ कैसे फॉन्ट रहता है। तो देख सकते हैं कुछ अलग तरीके से ये फॉन्ट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर आप और भी एक सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको यू पे क्लिक कर देना है। यू पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर MB प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर कन्वर्सेशन स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर बबल स्टाइल आप देख सकते हैं iOS के जैसे लगा सकते हैं, या और भी सारी डिजाइन है, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट साइज आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इमोजी साइज देख सकते हैं, ओके। राइट बबल आपको किस कलर का करना है ये भी कर सकते हैं। बाकी आपको नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं कंफर्म बिफोर सेंडिंग का स्टिकर ये इनेबल रहेगा। यहाँ पर इनेबल न्यू पॉपअप पे क्लिक कर देना है, और सेट व्हाट्सएप स्टाइल इमोजी इसको आपको इनेबल कर देना है ये सब, ओके। यहाँ पर जैसे हम इनेबल करेंगे उसके बाद यहाँ पर हम चैट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और चैट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इस वाले मैसेज में मान लीजिए क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं ट्रांसलेट, कॉपी, शेयर, फॉरवर्ड, रीड मैसेज iOS के जैसे आ रहा है, और साथ ही में यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो iOS के जैसे पॉप आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपको जाके वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर। आई बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।